हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाते हैं। ये गोभी मैंने काट के और गर्म पानी में उबाल के रख ली हूँ, और तड़के के लिए और सभी मसाले मैं तैयार कर ली हूँ। चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाल दी हूँ इसमें। अब इसमें गोभी फ्राई करके निकाल लूँगी। ये देखिए गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में मैं आलू फ्राई कर लूँगी। कच्चे आलू को मैं धोकर काट ली हूँ, 2 से 3 आलू है ये। और आलू भी फ्राई हो गई है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच मैं तेल और डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ जीरा, 2 तेज़पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और प्याज यहाँ पे ऐड कर दी हूँ जो स्लाइस में मैं काट के रखी थी। और इसे अच्छे से भून लूँगी। अब प्याज हमारा भून गया है, यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसे मिक्स कर ली हूँ मसाले को। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच कस्तूरी मिर्च डाली हूँ कलर लाने के लिए। ये सभी मसाले भून गए। यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, ये 2 टमाटर है, इन्हें मैं बारीक बारीक चॉप करके रख ली थी। आप चाहे तो इन्हें पीस कर भी डाल सकते हैं। यहीं पे मैं ऐड कर दी हूँ नमक। नमक इस यहाँ पे मैं पूरा ऐड कर दी हूँ स्वाद अनुसार, जिससे टमाटर हमारा जल्दी गल जाएगा। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे ढक दी थी। देखिए टमाटर गलने लग गए, मसाले भून रहे हैं अच्छे से। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढकेंगे नहीं, चलाते हुए भून लेंगे। देखिए मसाले भून गए हैं, अब तेल छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे आलू गोभी जो फ्राई करके डाली थी। इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए 2-3 मिनट के लिए इन्हें भून लेंगे, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। देखिए मसाले मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दी हूँ पानी। पानी मैं 1 गिलास ऐड की हूँ, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है इसमें। और सभी चीज़ तो भुने हुए हैं, बस इन्हें ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए 2 से 3 मिनट बाद मैं देख रही हूँ, ये सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब यहीं पे ऐड कर दूँगी मैं गरम मसाला, ऐड करके इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसे 1-2 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ दूंगी। ताकि गरम मसाले के खुशबू सभी में आ जाए। ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए ऐसी हमारी सब्ज़ी कुछ बनी है। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना।